अजमुन तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे बोल दान गली में राधे राधे बोल मान गली में राधे राधे बोल कुंज गली में राधे राधे अवर सानी में राधे राधे अकावर बन में राधे राधे अचिक सौली में राधे राधे बोल गान गढ़ में राधे राधे बोल मान गढ़ में राधे राधे बोल कुंज गली में राधे राधे बोल राधे 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 प्रिंस बोलो राधे राधे कवि बोलो राधे राधे दोस्त बोलो राधे राधे आगे बोले राधे राधे पीछे बोलो राधे राधे भैया बोले राधे राधे बहना बोले राधे राधे सब बोलो राधे राधे दोस्त बोलो राधे राधे ताली बजाके राधे 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 हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हरे कृष्ण मैं थोड़ी सी कथा सुना कर चला जाऊंगा फिर बन श्री मुनि महाराज जी फिर यहाँ पर कट प्रोग्राम करेंगे ठीक है बोलो ओम ज्ञानतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भजामि राधांगमरविंद नेत्रां स्मरामि राधामधुरस्मितास्यां बदामि राधां करुणाभराद्रां
राधे वृंदावनाधीश करुणामृत वाहिनी कृपया निज पदाब्ज दास्यमहं प्रदीयताम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णव सभी को मैं जथाजों के प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है, आज श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन। आई थिंक यू डोंट नो अंडरस्टैंड Maybe somebody to translate it there. Maybe they are Sasikala to translate it. Kata aaj bahut bahut hi achha din hai. Kata Shri Radha Rani ka aaj janma tithi hai. Kata Shri Radha Rani aap Vrindavan mein jao. Jadyapi Vrindavan dham Shri Krishna ka hi dham hai. Lekin Vrindavan mein ja karke dekho किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलते हैं। वृंदावन में क्या बोलते हैं बताओ, वृंदावन में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले क्यों वृंदावन में कृष्ण कृष्ण नहीं बोल करके राधे राधे क्यों बोलते हैं? कहते श्री राधा रानी ये परम दयालु है, राधा रानी ये परम कृपालु है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जय राधे जय जय माधव दैते करुणा खोरो माई करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय जय माधव दैते। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु है, राधा रानी बड़ी कृपालु है। कदे राधा रानी कदी ये कृपा की कृष्ण कृपा की ये मूर्तिमान स्वरूप श्री ये राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी की कृपा के बगैर कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधिकार दासी जदि हाय अभिमान शीघ्र मिलई तब गोकुल कान। बोले भैया ये कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, एक विध काले भी है और कृष्ण टेढ़े भी है, और हमारे जो राधा रानी वो बड़ी सिद्धि साधी और बड़ी करुणामूर्ति, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में राधा रानी की महिमा को वो बताते हैं। कहते राधा रानी का नेत्र से हर समय करुणा की जो अश्रु वर्षित होता है। बोले राधा रानी की क्यों करुणा के अश्रु वर्षित होता है? कि जगत में जितने जीव है वो सब के सब भगवान की संतान है। कोई भी पिता माता बच्चों का दुख कष्ट वो कभी देख नहीं सकती है, इसलिए जीव कैसे भगवान को भूल करके ये संसार में ये दुख कष्ट कैसे भोग कर रहे हैं? इसलिए दुख को देख करके राधा रानी की आंखों से करुणा की अश्रु हर समय करुणा की अश्रु वर्षित होता है श्री राधा रानी की। इसलिए अगर किसको ये अभिमान हो जाए
हम तो राधा जी की दासी की दासी की हम दासी है। फिर तो कन्हैया बड़े जल्दी मिल जाते हैं, बड़े जल्दी कृष्ण की कृपा हो जाता है। इसलिए राधा जी की कृपा के बगैर कृष्ण की कृपा नहीं मिलता है। इसलिए एक समय ब्रज में कोई एक बहुत बड़ा रसिक था, उसने एक सुंदर पद्य लिखा। वो पद्य में था, मैं तो कृष्ण भक्ति रस में मैंने डूब गया हूँ, कृष्ण भक्ति रस मुझे प्राप्त हो गया। वो बड़े बड़े कवियों के पास में गया, सब सुन सुन कर बड़े खुश हुए, भैया कृष्ण भक्ति रस की प्राप्ति हुई। लेकिन जब वह पद श्री जीव गोस्वामी को पास में पहुंचा, कहते श्री जीव गोस्वामी इसको आंसर देते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभाष तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। भैया तुम बोलते हो कृष्ण भक्ति तुम्हें मिल गया, बोले कृष्ण भक्ति इतने आसानी नहीं, तुमको कृष्ण भक्ति तुमको मिल जाएगी। इसलिए कृष्ण भक्ति पाने के लिए तुम्हें तीन चीज की जरूरत है, तब तक जाकर कहीं कृष्ण भक्ति मिलेगी। बोले वो तीन चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज तेणु, बोले जब तक कि राधा जी के चरण की धूल में तुम अभिषिक्त नहीं होते हो। बोले दूसरे चीज क्या है, बोले राधा जी की चरण के द्वारा अंकित तो जो श्री वृंदावन धाम है, जब तक श्री वृंदावन धाम को आश्रय नहीं ग्रहण करते हो। कहते सबसे बड़ी चीज क्या है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोले राधा जी की प्रेम भक्ति रसों में जो शराब और जो संत है, जब तक ऐसे संतों का चरण को हम आश्रय नहीं करेंगे, बोले कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। भैया तुम्हें कृष्ण भक्ति रस सिंधु में तुम कहाँ गोता लगा सकते हो, कृष्ण भक्ति इतने आसानी चीज नहीं। कृष्ण भक्ति पाने के लिए तुम्हें ये तीन चीज की जरूरत है, हाँ? अभी प्रश्न है भैया, ये राधा कृष्ण ये दो क्यों हुए, कहती ये राधा रानी है कौन, हाँ? कहती ये राधा और कोई नहीं, श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृत शक्ति रस्मात देकात्मना भूवि पुरा देह भेद चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकमाप्तम राधा भाव दुति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। बोले कृष्ण जब अकेले थे, कृष्ण रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। अभी कृष्ण के मन में इच्छा है, कहते रसिक शेखर कृष्ण परम करूं, एक में तो कृष्ण रसिक शेखर है, इसलिए रसास्वादन करना उनका काम है। कहती ये परम करुण बड़े दयालु भी है, ये दयालु होने का नाते जगत में ये प्रेम भक्ति को भी कृष्ण देना चाहते हैं, इसलिए रसिक शेखर होने का नाते कहते जो कृष्ण है, कहते वो एक स्वरूप में ये कृष्ण भक्ति रस आस्वादन नहीं होता। जिस संसार में एक है, फिर शादी करते हैं, दो होते हैं, उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे भी होते हैं। इसलिए उसी तरह जो कृष्ण है वो देखते हैं भैया अकेले स्वरूप में आनंद नहीं है। इसलिए हमारे बृहदारण्य उपनिषद में बताया, स वै नैव रमे नैव रमते स द्वितीय मैच्छा। जब उन्होंने देखा एक स्वरूप से वो लीला रस को आस्वादन नहीं कर सकते हैं, बोले स द्वितीय मैच्छा, तो वो दो होने के लिए इच्छा की। जब दो होने के लिए इच्छा की, बोले वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे कृष्ण अकेले खड़े थे, देखा कृष्ण का जो बाम अंग ये फड़कना शुरू किया, फड़कते फड़कते उनको बाम अंग से एक अपूर्व सुंदरी श्री राधा रानी उनको बाम अंग से प्रकट होती है, इसलिए वो रास से प्रकट होती हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा। और वो प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके कृष्ण की सेवा के लिए धावित, धावित मतलब दौड़ना, वो कृष्ण सेवा के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा और धा नाम पड़ गया। बोले श्री राधा रानी की, कहते रा मतलब होता है भक्ति, और जो धा मतलब होता है जीवों को जो भक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जब तक जीव को भक्ति नहीं मिलेगा
तब तक जीव कभी कृष्ण सेवा को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए जीव को जो भक्ति देने वाले श्री राधा रानी ही जीव को ये भक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं, अगर हम बोलेंगे राधा है कौन, अगर इनको बताया जाए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं राधा रानी का दो रूप है, कहते हैं एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त मतलब जैसे हम मंदिर में देखते हैं श्री राधा रानी मूर्ति है, कहते अमूर्त मतलब कहते भावावस्था में, हाँ, जैसे श्रद्धा से लेकर के भक्ति सुर होता है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि आसक्ति भाव प्रेम, अरे यही प्रेम ही बढ़ते बढ़ते स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव। इसलिए बोले अगर महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, राधा रानी कौन है, कहते कृष्ण प्रेम की जो स्वरूप है, कहते ये श्रीमती राधा रानी, राधा रानी और कोई नहीं, कहते कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसमात, कृष्ण का प्रेम ही जब एक रूप धारण करती है, कहती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते तत्वतः ये राधा कृष्ण दो नहीं है, कहते राधा कृष्ण एक ही है, फिर ये दो क्यों फिर भी ये कारण किया है, कहते भूवि परा देह भेदो गतौ तौ, बोले जापि राधा सापि कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिम दिधा भिन्न ये राधा माधव स्वरूपम, कहते एक ही ज्योति ही वो जब दो रूप धारण करते हैं, कहते एक राधा और एक कृष्ण है, लेकिन जब और उनको लीला विलास करने की इच्छा हो, इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं, कहते एक में तो तमाल वृक्ष सुंदर है, कृष्ण सुंदर ही है, तमाल वृक्ष है, लेकिन अगर तमाल वृक्ष में अगर माधवी लता अगर उसमें चढ़ जाए तो वो और सुंदर हो जाते हैं, वृक्ष में लता आ गई सुंदर हो गया, लेकिन अगर उसमें पत्ते आ जाए तो बोले और सुंदर है, बोले पत्ते कौन है लता कौन है, बोले लता स्वरूप श्री राधा रानी, कहते पत्ता कौन है, बोले सखियां हैं, पत्ता और सुंदर अगर वृक्ष में फूल आ जाए उसमें मंजरिया आ जाए, इसलिए उसमें और भी सुंदर हो जाते हैं। उसी तरह कृष्ण तो सुंदर है ही है, लेकिन उनके तरफ में जब राधा रानी खड़ी हो जाती है वो और सुंदर बन जाते हैं, जब उनको साथ में सखियां हो जाती हैं वो और भी सुंदर बन जाते हैं, फिर जब मंजरियां हो जाते फिर सुंदर ही सुंदर है। इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण एक होते हुए भी जब वो लीला रस को आस्वादन करना चाहते हैं, भले यही कृष्ण ही कृष्ण के अभिन्न स्वरूप राधा है, यही राधा रानी ही जब कृष्ण की और सेवा करने के लिए कोशिश करती है, फिर ये एक अलग अलग गोपियों के रूप धारण करती है, जिसको हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले आनंद छिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाधीर एव निज कला रूपतया, ये गोपियां राधा रानी कौन, बोले आनंद छिन्मय रस प्रतिभाविता भी, कहते आनंद छिन्मय रस ही ये एक एक गोपियों की ये रूप धारण करती हैं, ये सब के सब गोपियां हैं। इसलिए राधा रानी की काय भी हो जैसे तुंग विद्या, ये कौन है, कहते विद्या की तुंग अवस्था, बोले विशाखा कौन है, ये ललिता कौन है, ये चित्रा कौन है, कहते राधा जी की एक एक भाव ही जब ये एक 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 अलग अलग रूप धारण करती हैं, वो बहु रूप में कृष्ण सेवा करने के लिए ये सब के सब राधा रानी अनंत रूप में केवल कृष्ण सेवा करने के लिए ये रूप धारण की है। इसलिए और कोई नहीं, केवल राधा ही बहु रूप में से कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया, बोले राधा जी की चरण बड़ी दुर्लभ है, कि जिस चरण कहते ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना रूप में ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए केवल राधा जी की सेवा करने के लिए, कहते ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, बोले ईश्वर, बोले ये शंकर जी के लिए भी बड़े दुर्लभ है, इसलिए भगवान जब रास करते हैं शंकर भी स्वयं गोपी रूप धारण करते हुए वहां पर आते हैं, लेकिन प्रवेश नहीं पाते, उनको चोटी पकड़कर रास से उनको निकाल दिया जाती है। शंकर जहां पर चौकीदार रूप में जहां पर काम कर रहे हैं, इसलिए जहां उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज में आए, जब उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा,
फिर राधा रानी की प्रेम की वैचित्रता को दर्शन करती हैं। वो क्या कहते हैं, बोले आशा मह चरण रेणु जुसा महं श्याम वृंदावन किमपि गुलमलतो सधिना। इस राधा रानी की चरण की केवल एक धूल को दूर से वंदना करते हैं, बोले वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभिस्नक्षण। केवल राधा जी की चरण की अगर एक धूल अगर मुझे मिल जाए तो ये मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जैसे व्यक्ति राधा जी की चरण की धूल को वंदना करते हैं, इसलिए नारद भी नारद कुंड में बैठ करके गिरिराज की तलेट में कठोर तपस्या कर रहे, बोले क्यों, बोले श्री राधा जी की कृपा को पाने के लिए। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले इनके लिए तो दुर्लभ है ही है ब्रह्मा शंकर उद्धव के लिए, लेकिन राधा जी की चरण की इतने दुर्लभता है कभी कभी कृष्ण के लिए भी राधा जी की चरण दुर्लभ हो जाता है, कृष्ण को भी नहीं मिलता है। फिर इनका बात जोड़ दो, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले चत किं करिस बहुसा खड़ु काकु वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदार सनिधे वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगनि मार्जनिस्या। वो प्रार्थना करते हैं, क्या मेरा ऐसे कभी सौभाग्य होगा, बोले क्या सौभाग्य चाहते हो, बोले जिस निकुंज में राधा रानी मान कर लेती हैं, कहते आज किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए वहां पर दरजा में राधा सखियों को मंजीरे को खड़ी कर देती है। जिस निकुंज में कृष्णों को भी प्रवेश करना दुर्लभ होता है, वो भी जाकर हाथ जोड़ते हैं, भैया थोड़ी सी अंदर में जाने दो। कहते क्या कभी जिस झाड़ू से गोपियां मंजरिया झाड़ू देते हैं, और झाड़ू का क्या कभी एक सलाका बन पाऊंगा जिस निकुंज में राधा रानी निवास करती हैं। इसलिए जहां पर कृष्ण को भी कभी कभी श्यामा सखी रूप धारण करते हैं, कभी तेल मालिश करने वाले का रूप धारण करते हैं कृष्ण, जाकर कभी राधा जी के चरण को दबा दे। मतलब राधा जी की चरण की इतने दुर्लभता है, वो कृष्ण के लिए भी दुर्लभता है। इसलिए हमारा जो संप्रदाय है ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हमारा है। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय मतलब क्या, प्रभुपाद कहते हैं गौड़ीय मतलब राधा रानी गौरी है, है राधा रानी गौरी है। जो लोग राधा जी की आनुगत्य में ही वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए बोले राधा पद छाड़ी, पद्मनाभ ठाकुर कहते हैं राधा पद छाड़ी जे जन से जना जे जना से जन भजे आमी तराधिका पक्षपाती सदा कभू नाही हेरी ताके। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते जो व्यक्ति राधा जी की चरण को छोड़ करके इधर उधर भजन करते हैं उनको करने दो, लेकिन मैं भक्ति मनोहर ठाकुर को कमल मंजरी, हाँ कमल मंजरी कहते आमी तो राधिका पक्षपात सदा, लेकिन मैं किसका पक्ष लेने वाला हूँ, मैं केवल श्री राधा जी की पक्ष लेने वाला हूँ और किसी को पक्ष नहीं। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद जिसने संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणियों को प्रचार किया, कौन है, बोले राधा जी की नयन मणि मंजरी है। ये राधा जी की नयन मणि मंजरी, मणि मंजरी मतलब होता है राधा जी की जो नयन है, जो आंख है, जिसको हम कहते हैं ना मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज कुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्नेहम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांद्रि कोमले बराभया स्फुरत करे प्रभुत सपदालय कदा करी सस्नेहम कृपा कटाक्ष भाजनम। इसलिए यहाँ पर कहते कदा करी सस्य माम कृपा कटाक्ष भाजन, बोले राधे कब तुम्हारी कृपा कटाक्ष हम अधिकारी बनेंगे, कब तुम्हारी कृपा हमारे ऊपर होगी। कहते राधा रानी की कृपा क्या है, कौन है, बोले प्रभुपाद है। चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है। कहते राधा जी की कृपा कटाक्ष है, अगर ये जगत में नहीं आते तो अभी जो थोड़ी बहुत हम कोशिश करते हैं, भजन तो हो ही नहीं रहा है,
कोशिश करते तिलक माला थोड़ा नाम करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ये किसकी कृपा है, बोले श्री प्रभुपाद की कृपा है, ये राधा रानी की कृपा कटाक्ष है, राधा जी की जो कृपा ही इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये रूप धारण करके आए हैं। नहीं तो आप और हम जैसे प्रभुपाद से पहले कौन भजन करते थे, हम कभी भी भजन नहीं कर सकते जो पेड़ को नीचे बैठ करके एक चूल मठा पी करके एक रोटी खा करके कभी भी हम ऐसे भजन नहीं कर सकते थे, असंभव हमारे लिए था। हम जैसे बद्ध जीव के लिए कितना सुंदर बिल्डिंग, बढ़िया बढ़िया प्रसाद, कितने सुविधा, अगर प्रभुपाद ये चीज दिया है तब भी हम किसी ना किसी तरह से यहाँ बैठी करके थोड़ी भजन कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए किसकी कृपा है, कहते राधा जी की कृपा कटाक्ष है, राधा जी की जो कृपा ही ये प्रभुपाद रूप में आए और हम जैसे बद्ध जीवों को ये थोड़ी भजन करने की हमें सुयोग दिया है, ये केवल राधा जी की कृपा है, नहीं तो कभी हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए आज श्रीमती राधा रानी की जन्म तिथि है, जन्म में ना सब लोग बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और उनसे जो कुछ मांगो वो दे देते हैं जन्म तिथि में। इसलिए गुरुदेव कहते थे तो राधा जी से हम क्या मांगेंगे, इसलिए गुरुदेव राधा जी के उत्सव में ये श्लोक बोलते थे, बोले हा देवी का कुभर गाचा जाचे निपत्य दंडवत उद्भटारती अस्य प्रसाद मभुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निज गणी गणनांग विदे। गुरुदेव ये श्लोक हर्ष में बोलते थे, गुरुदेव कहते थे हे राधे आपके चरण में काकुति हाथ जोड़ते हुए आपके चरण में हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना है, बोला आपका रजिस्टर में जितने आपके सखी है ना सब नाम लिखा हुआ रजिस्टर में, आपको सखियों का नाम हमारे नाम सबसे नीचे हमारे नाम के लिए सबसे नीचे हमारी तुम्हारी सखियों में सबसे नीचे हमारे नाम को लिख दो। इसलिए गुरुदेव ये श्लोक को उच्चारण करते थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के यही चीज को देने के लिए आते हैं, बोले अनर्पित चरण चिरात करुण यावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सब भक्ति श्रियम। इसलिए राधा जी की जो भाव की जो छिटाए हैं जो मंजरी भाव है यही चीज को देने के लिए महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वस्तु को प्रदान करते हैं। इसलिए आज राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, इसलिए हम सबके सब राधा रानी के चरण में यही प्रार्थना करें, तुम्हारी दासियों का दासियों का दासियों की सबसे नीचे हमारे भी थोड़ा नाम को लिख दो, जैसे कभी ना कभी जैसे हम उनके आनुगत्य में हम सेवा कर सकते। बोले श्री राधा रानी की, बोले श्री सपार्षद गौर हरि की, बोले श्री वृषभानु महाराज की जय, बोले श्री कीर्तिका सुंदरी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी श्री मुनि महाराज जी आपको बड़े सुंदर कीर्तन सुनाएंगे और कथा सुनाएंगे, फिर मैं कल से राधा जी की और कुछ कर्म कथा सुना देंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की और हम कथा सुना देंगे, तीन चार दिन तक अगर ये लोग आदेश करेंगे भक्त लोग, फिर हम कल से तीन चार दिन तक कुछ कथा सुना देंगे, ठीक है। आज क्यों नहीं प्रभु जी, आज वहां पर प्रोग्राम क्यों नहीं, आज मैंने आधा घंटा सुना है प्रभु जी, आपको प्रभु जी वहां पर ना यहाँ पर तो इसलिए तो मैंने सुना है प्रभु जी, इसलिए तो सुना है, कल फिर सुनाऊंगा कथा कथा की कोई शेष नहीं, कल हमने देखा प्रभु जी मुनि महाराज जी ना महाराज जी पूर्ण है, आप भी स्वयं हो, आप भी स्वयं हो, आप कहाँ हैं, आपका चरण में, आप कहाँ हैं महाराज, आपका चरण में, आप चरण नहीं नहीं हमारा चरण तीसरा है गुरु के चरण में, आप भी आइए, आप भी कहते हैं हम तो गुरु के पास यहाँ है, कल रात बहुत सारे आप
कहां बैठे हैं।